चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आग लग गई। तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आग लगने की खबर है, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से ये आग भड़की थी, गाड़ी से बिजली के खंभे तक ये आग पहुंच गई। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है, रिहायशी इलाका भी है ये जहां पर आग लगी थी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ये आग लगी और काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। तो ये फरीदाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आग लगने की खबर और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग और बढ़ गई। रिहायशी इलाका है ये जहां पर ये घटना हुई है, बिजली के खंभे तक ये आग पहुंच गई और काफी भयानक ये आग, और लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और काफी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आग लगी है, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से ये आग भड़की, गाड़ी से बिजली के खंभे तक ये आग पहुंच गई। बड़ा हादसा हो सकता था, समय रहते फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और बमुश्किल इस आग को बुझाया जा सका। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद की है, बिजली के खंभे में ये आग लगी है, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग फैलते फैलते बिजली के खंभे तक जा पहुंची। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आग लगी है, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से ये आग भड़की है, गाड़ी से बिजली के खंभे तक आग पहुंच गई। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र दैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे, कब का ये पूरा हादसा है और क्या अभी कंट्रोल में है स्थिति? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पा लिया था, जैसे तैसे करके आग बुझाई गई। हालांकि जो आग लगने के कारण है उनको बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हुआ था, जिसके कारण ये आग लगी और देखते ही देखते गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई। और लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को भी दी, बाद में दमकल की गाड़ियां भी यहां मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जी, कितना नुकसान और क्या आसपास भी कोई नुकसान हुआ है इसे लेकर? देखिए, आसपास तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी में पूरा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो फरीदाबाद के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ये आग लगी है और गाड़ियों को नुकसान हुआ है, जैसा कि अभी राजेंद्र जानकारी भी दे रहे थे।